जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अराउंड द ग्लोब पर। दोस्तों, आज खबरों की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे दिल की एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सब अपने प्यारे देश भारत का शुक्रिया अदा करें, जिसने हमें अपने तरीके से जीवन जीने की आज़ादी दी है, जहाँ हम सब बिना किसी जाति बंधन भेदभाव के जैसा चाहे वैसा जीवन जी सकते हैं। अक्सर हमने देखा है कुछ देशवासी हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि आखिर देश ने हमें दिया क्या है, शायद तालिबान के द्वारा दबी कुचली मासूम अफगान जनता को देखकर उनको यह पता चल गया होगा कि आज़ादी की कीमत क्या होती है और हमारे देश ने आखिर हमें दिया क्या है। जितनी आज़ादी हमारा मुल्क भारत हमें देता है, शायद ही दुनिया का कोई और ऐसा मुल्क हो जहां लोग इतनी आजादी के साथ रह सकते हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में विकास को आगे संचालित किसी भी भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधि को भारतीय सेना के द्वारा सफल नहीं होने दिया जाएगा। जनरल रावत ने क्वाड देशों से भी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध एवं आतंकवाद विरोध पर सहयोग बढ़ाने की अपील की है। जनरल रावत के अनुसार न्यू दिल्ली को अफगानिस्तान में तालिबान के शासन में आने का अंदेशा काफी पहले से ही था। रावत ने यह भी कहा कि तालिबान जैसा 20 साल पहले था वैसा ही आज भी है, फर्क सिर्फ इतना है कि तालिबान के सहयोगी बदल गए हैं। वहीं पंजशीर की बात करें तो अहमद मसूद के नेतृत्व में नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के जवान पंजशीर की घाटी में डट गए हैं। करीब 9000 विद्रोही पंजशीर को तालिबान से बचाने के लिए मोर्चा ले चुके हैं। अहमद मसूद ने अपने जवानों को पंजशीर की ऊंची चोटियों पर हैवी मशीन गन व मोर्टार के साथ तैनात कर दिया है। पंजशीर के यह जवान असॉल्ट राइफल, वॉकी टॉकी, ग्रेनेड लॉन्चर आदि से लैस हैं। सभी जवान सेना की वर्दी में हैं तथा अमेरिकन आर्मी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हम्पी गाड़ियों से गश्त लगा रहे हैं। एक पंजशीर के जवान ने एक बयान देते हुए कहा कि हम तालिबानियों का चेहरा जमीन में रगड़ने जा रहे हैं। पंजशीर घाटी में मूल रूप से ताजिक मूल के लोग रहते हैं, साथ ही घाटी में घुसने का रास्ता बहुत ही संकरा है। दोस्तों, आप देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल अराउंड द ग्लोब के साथ। जय हिंद।